वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, स्फीयर या और भी कोई भी फिगर जिसमें सर्कल हो, इस तरह की फिगर्स के बारे में बताऊंगा, फॉर्मूला और कुछ ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपका टाइम सेव कर सकेंगे व्हाइल डूइंग योर पेपर इन योर एग्जामिनेशन. सो आई विल स्टार्ट विद सिलेंडर. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेंडर एक ऐसी शेप है, ये मैंने एक पेपर को फोल्ड करके सिलेंडर की शेप बनाई है, जिसमें आपको क्लियरली दो सर्कल दिख रहे हैं, एक ये एंड वाला और ये एक ये एंड वाला, दो सर्कल्स है. और ये एक कर्व्ड एरिया है, ये एरिया एक कर्व है. इस सिलेंडर को एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, इस सिलेंडर को हम अगर यहां से फाड़ दें तो ये एक रेक्टेंगुलर पेज है. दिस इज ए रेक्टेंगुलर पेज इन विच ये साइड लेंथ है और ये साइड ब्रेथ है. अगर हमने इस पेज का एरिया निकालना हो तो हम लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, राइट, जो कि हम रेक्टेंगल में करते हैं. लेकिन जब ये रेक्टेंगल से एक सर्कुलर सिलेंडर बनता है लाइक दिस, तो इसका जो लेंथ था, जो इसकी लेंथ थी, वो इसका सर्कमफ्रेंस बन जाता है. ये पार्ट इसकी लेंथ थी, ये लेंथ है, और इसको हमने फोल्ड करके क्या बना दिया, दिस बिकम्स सर्कमफ्रेंस. सो दिस एल बिकम्स सर्कमफ्रेंस एंड सर्कमफ्रेंस इज 2πr मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ये इसकी ब्रेथ थी, दिस वॉज ब्रेथ. और अब जब ये सिलेंडर बन जाता है, सिलेंडर बनने के बाद ब्रेथ जो है तो वो क्या बन जाती है, ये ब्रेथ थी. अभी ये क्या बन रही है, ये बन गया हाइट ऑफ सिलेंडर. दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर. सो वी विल राइट h. सो इट बिकम्स 2πrh, विच इज दिस कर्व्ड एरिया ऑफ द सिलेंडर. सो सिलेंडर में हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है, जिसे हम बोलते हैं 2πrh. 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर एंड मल्टीप्लाई बाय h. दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया. नाउ सी, हमारे इस सिलेंडर में दो सर्कल्स हैं, द अपर सर्कल एंड द बॉटम सर्कल बेस. सो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, विच वी कॉल एज TSA, टोटल सरफेस एरिया विल बी दिस 2πrh प्लस दो सर्कल्स का एरिया, इस सर्कल का एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया. इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर. सो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर. So if you will take 2 pi r common, you will left with h plus r. 2 pi r into h plus r, या कुछ लोग इसे ऐसे लिखते हैं 2 pi r into r plus h. It's same thing. This is total surface area of cylinder. Then we have volume. Volume of cylinder is volume कभी भी किसी भी चीज का. Remember this. कभी भी किसी भी figure का volume find करना है, क्रॉस सेक्शन का एरिया फाइंड कीजिए, वट एवर द क्रॉस सेक्शन का एरिया, मल्टीप्लाई दैट बाय द हाइट ऑफ द फिगर, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दैट थिंग. इन दिस केस सिलेंडर में हमारा बेस क्या है, सर्कल. सो सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट h. तो पाई आर स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ओके, सिमिलरली इसी तरह कोन का भी, अगर वॉल्यूम की बात करेंगे कोन की, तो कोन एक बेस अगर सेम हो, आई मीन सेम रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन एंड सेम हाइट, तो एक कोन की कैपेसिटी 1/3 ऑफ सिलेंडर रहती है. ये आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो. तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. ये मैंने वॉल्यूम की बात बता दी. उसके बाद आपके पास CSA, इसमें CSA कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो रहता है पाई आर एल,
what is L? L is not length. L is slant height. ये जो curvilinear height है, ये वाला part, this is the slant height. How to find it if it is not given? मान लो ये given नहीं है, तो हम कैसे find कर सकते हैं? अगर हमारे पास radius है, अगर हमारे पास height है, तो height और radius की help से, height और radius की help से Pythagoras theorem use करके हम इसे find कर सकते हैं. इसे नाम दीजिए कुछ भी, A, B, C. So AC square equal to BC square plus AB square. Otherwise, हम ऐसे generally इसे ऐसे कहते हैं, L square, slant height का square equal to R square plus H square. एक बार आपको ये मिला, तो ये L आपने यहाँ पे use करना है. So pi R L is curved surface area of cone. और अगर आपको total surface area find करना है cone का, total surface area, तो उसमें pi r l plus एक circle extra इसमें, तो एक circle क्या है? pi r square. pi r बाहर लीजिए, आपके पास क्या बचा? l plus r. This is total surface area of cone. और volume भी मैंने बता दिया आपको. एक और बात बताऊं जो मैंने पहले नहीं बोली थी, वो ये कि जब भी हम perimeter find करते हैं, पैरीमीटर का यूनिट सिंगल जो भी यूनिट होगा, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, फीट है तो फीट, इंचेस है तो इंचेस, लेकिन एरिया का यूनिट, एरिया में हमने दो डायमेंशन को लिया होता है, टू डायमेंशनल है ये, इसलिए इट विल बी, यूनिट विल बी इन स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, स्क्वायर मीटर. लेकिन वॉल्यूम में हम तीन डायमेंशन में बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम में क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लाइक क्यूब का या क्यूबाइड का मैंने बोला था आपको, तो वॉल्यूम में क्यूबिक यूनिट, व्हाटएवर द यूनिट विल बी, दैट विल बी इन क्यूब. सो वॉल्यूम में क्यूब, एरिया में स्क्वायर, एंड पेरिमीटर में इट विल बी व्हाटएवर द यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर, व्हाटएवर इट इज. ओके, इससे पहले कि मैं फ्रस्टम के बारे में कुछ कहूं या स्फीयर के बारे में कुछ कहूं या हेमिस्फेयर के बारे में कुछ कहूं, मैं आपको एक बात कहूंगा कि जहां भी सर्कल है, वेर एवर यू सी ए सर्कल, फॉर सच सम्स आई हैव ए ट्रिक. एक्चुअली ये खाली मेरे पास ही नहीं है, बाकी लोगों के पास भी होगा, लेकिन हम इसे यूज करते हैं, और ये इसलिए होता है ट्रिक कि आपका टाइम जो है, टाइम कम से कम टाइम लगे और ज्यादा से ज्यादा आप सम्स कर सको. पहले मैं आपको ये ट्रिक बताता हूं, और उस ट्रिक के बाद में कुछ पिछले साल के, उससे पिछले साल के कुछ लास्ट फ्यू इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में जो भी मेंसुरेशन का पार्ट आया है, चाहे वो फॉरेस्टर का था, बैंक पीओ का था, जो भी मेरे पास मटेरियल है, उसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस सिखा दूंगा, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे ये जो अभी खास करके ये ट्रिक की बात कर रहा हूं, ये कैसे हमें यूज करना है, दैट आई विल टेल यू. आप एक बात देखिए, जहां भी सर्कल है, चाहे वो सिलेंडर है, कोन है, फ्रस्टम है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, इवन एक सर्कल, सर्कल के अंदर का चाहे आपने सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है या आपने एरिया फाइंड करना है, हर जगह पे पाई का इस्तेमाल होता है. पाई, टू पाई आर फॉर सर्कमफ्रेंस, पाई आर स्क्वायर फॉर एरिया. यहां पे अभी मैंने आपको बताया 2 पाई आर एच फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई आर इनटू आर प्लस एच फॉर टोटल सरफेस एरिया, पाई आर स्क्वायर एच फॉर वॉल्यूम. सो इन सभी फिगर्स में पाई का यूज पक्का है. अब जहां भी पाई का यूज है, पहले पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 22/7, पाई इज इक्वल टू 22/7. इसका मतलब, चाहे आप इसका पेरीमीटर निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो, इसका, इसका या इसका, या स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, एनी फिगर विच हैज सर्कल एसोसिएटेड विद दैट सर्कुलर फिगर, उस फिगर में 22/7 का यूज पक्का है. अगर 27/2 का यूज पक्का है, और ये 22/7 का यूज जहां भी है,
वहां आंसर में 22/7 होगा अगर हम उसे फैक्टराइज करें आंसर को. तो जब हमारे पास जो भी 4 A, B, C और D जो चार हमारे पास ऑप्शन है, उन ऑप्शन में एक न्यूमिरेटर ऐसा होगा जो 22 का मल्टीपल होगा. 22 से भी और इजी बना देते हैं हम इसे. 22 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 2/7. इसका मतलब जो हमारा आंसर आने वाला है उसका न्यूमिरेटर 11 का मल्टीपल है. उस पर्पज के लिए हमें क्या करना चाहिए, सिंपली जो हमारे पास ABCD ऑप्शन दिए हैं, इवन विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़े बिना आप सीधा सॉल्यूशन पे आओ. एक बात का ध्यान रहे कि तुम्हारे क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है वो सर्कल से रिलेटेड हो, उसमें सर्कुलर कोई पार्ट आया हो, फिर वो कर्व्ड सरफेस एरिया ही क्यों ना हो, वहां पाई का यूज हुआ होगा. और जहां पाई का यूज हुआ है ऑप्शन ABCD जो है उनमें देखिए कौन सी वैल्यू जो है 11 के टेबल में आती है, दैट इज व्हाट इज डिविजिबल बाय 11. सो अगर आपके पास छोटा मोटा नंबर है जैसे 154 लिखा मैंने ऑप्शन ए में, 154 सिंपल है कि 11 से डिवाइड होता है, 11 वन जार 4 बचा, 11 4 जार तो 14 इंटू 11 इज 154. लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर आता है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर है और नंबर इससे भी बड़े बड़े हैं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं, क्योंकि ये गारंटी है कि जो 11 से डिवाइड होता है ऑप्शन में से वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर पक्का है. अब जो 11 से डिवाइड होता है वो कैसे ढूंढे हम, उसके लिए एक डिविजिबिलिटी टेस्ट है, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, टेस्ट ऑफ 11 वी कॉल दैट. फॉर दैट पर्पज हमें क्या करना होता है, ऑड प्लेसेस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो वंस, टेंस, हंड्रेड के बदले में 1, 2, 3, 4 लिख रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये प्लेस, ये इस प्लेस के नंबर्स को आपस में ऐड करो, 6, 4, 2, 6, 4, 10 और 2, 12. दूसरी तरफ जो बाकी बचे हुए हैं उनको ऐड करो, 5, 3, 8 and 1, 9. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जो भी बड़ी वैल्यू आई है उसमें से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, दिस विल बी योर रफ वर्क. आपको मिला इसमें 3, क्या 3 11 के टेबल में आता है, नहीं. सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, सो दिस कांट बी आंसर ऑफ एनी फिगर विच हैज सर्कल इन इट. तो ये किसी का आंसर नहीं हो सकता है. फिर आंसर क्या हो सकता है, वो जो 11 के टेबल में आता है. जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन ये मैंने पहले वाला लिया था, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 दूसरा ऑप्शन है, मान लीजिए तीसरा ऑप्शन है 1, 3, 3, 4 है, और चौथा ऑप्शन है 2, 3, 4 मान लीजिए ये ऑप्शंस है. तो ये मैंने पहला ही जो आंसर लिखा था वो सिंपली ऐसा लिखा कि जो 11 के टेबल में आ सके, तो ये तो सबको क्लियर हो रहा है कि ये 11 के टेबल में आता होगा, सो दिस विल बी आंसर. लेकिन इससे बड़ा कोई भी नंबर देखना हो, अगर सपोज मैं इसको चेंज कर देता हूं इसके बदले कोई, अभी ये तीन तो आपने देख लिए कि ये तीन ऑप्शन जो है ये 11 से डिवाइड नहीं होते, सो दिस कांट बी आंसर. बट कभी कभी क्या होता है,